हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स, ये एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसमें से ज़रूर देख लेना उसको नाउ। और अगर अभी तक आपने चैनल इसका सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, फैक्टराइज 8a³ प्लस बी क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab² राइट। ना इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है एक्चुअल में ये, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी के हिसाब से चेंज करना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि आप जो है इसको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बना लीजिए, पहले ब्रैकेट्स लिख लीजिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² अब ए की वैल्यू हमें इससे मिलेगी। तो ये 8a³ जो है, अगर इसको मैं इसके अंदर पहुंचाना चाहता हूँ, ये किसका क्यूब है, ये भाई 8 है 2 का क्यूब, और a का क्यूब a क्यूब होता ही है, तो ये आ गया 2a³। ऐसे b क्यूब क्या है, b का होल क्यूब। तो अब हमारे पास क्या आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया, तो फटाफट हम इसमें भरना शुरू कर देंगे, 2a b, राइट। तो आइडेंटिटी ये लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ 2a + b का होल क्यूब। तो अब इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो ये क्या आ जाएगा, 2a + b × 2a + b × 2a + b, राइट। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है ये, 27p³ माइनस 216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, राइट। तो सेम इसमें भी वही करना है। अब इसमें हम देखें ध्यान से, तो माइनस का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस, ये है ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² हम इसके हिसाब से इसको अगर चेंज करें, पहले इसको अगर चेंज करें तो ये आ जाएगा 3p³ माइनस 216 है 6 का क्यूब, तो ये हो गया 1/6 सारे का होल क्यूब। अब इसमें हमको क्या मिल गया, ए और बी मिल गए, हम फटाफट से इसको लगा देंगे, जहाँ जहाँ a है उसकी जगह 3p, जहाँ जहाँ b है उसकी जगह 1/6, तो ये आ जाएगा 3p³ माइनस 1/6³ माइनस 3 × 3p² × 1/6 प्लस 3 × 3p × 1/6², तो ये आ गया 3p − 1/6 सारे का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू 3p − 1/6 × 3p − 1/6 × 3p − 1/6, राइट। अगला कहता है वेरीफाई करें, x³ + y³ = x + y × x² − xy + y², ठीक है जी। तो वेरीफाई, बेसिकली जब हम वेरीफाई की बात करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी होती है, तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को खोल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे अब, ये क्योंकि एक्स प्लस वाई से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले एक्स से इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई से इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या लिखा, x² − xy + y² + y × x² − xy + y², राइट। नाउ इसको जो है ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, x✕x² = x³ − xy✕x = x²y + y²✕x = xy², ऐसे ही अब इसको भी खोल देंगे तो ये आ जाएगा x²y − xy² + y³, ठीक है जी। अब इसमें माइनस x² y + x² y से कट जाएगा, प्लस xy² − x² y से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x³ + y³, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, देयरफॉर LHS = RHS, राइट। अगला जो पार्ट है इसका वो है x³ − y³ = x − y × x² + 2xy + y³, ठीक है ना। तो खोलें इसको तो क्या होगा, x के साथ पहले ये सारा, माइनस y के साथ ये सारा, तो ये हो जाएगा x² + xy + y² − y × x² + xy + y². नाउ x✕x² + xy × x² + xy² = xy² और −y✕x² = −x²y + xy − y = −xy² + y² − y = −y³। अब x²y − x²y कट गया और +xy² − xy² ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x³ - y³,
और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अगला वो कह रहा है फैक्टराइज करें 27y³ + 125z³, राइट। अब इसको अगर ध्यान से हम देखें तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू a³ + b³ फॉर्म, जिसके कि फैक्टर्स बनते हैं a + b (a²) - ab + b², राइट। 27y³ कैन बी रिटन एज 3y³, और 125z³ कैन बी रिटन एज 5z सारे का क्यूब, ठीक है जी। तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या हमारे पास आ गया, ये आ गया 3y + 5z, फिर दूसरी ब्रैकेट में 3y² - 3y × 5z + 5z² 3y² क्या होता है 9y² और 5z का स्क्वायर क्या होता है 25z². आंसर क्या आ गया हमारे पास 3y + 5z पहला फैक्टर इंटू 9y² - 15yz + 25z², राइट। अगला पार्ट है हमारे पास वो है 64m³ - 343n³, दिस कैन बी रिटन एज 4m³ - दिस कैन बी रिटन एज 7n³। नाउ a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a - b (a²) + ab + b³, राइट। तो फैक्टर्स अब इसके क्या बन गए, 4m - 7 × 4m² + 4m × 7m + 7m² राइट। तो 4m² क्या हो गया 16m², 4 7 28mn, और 7n² क्या हो गया, 7² होता है 49, तो ये आ गया 49n². तो फैक्टर हमारे पास बन गए 4m - 7 × 16m² + 28mn + 49n², राइट। अगला फैक्टराइज हमें करना है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, राइट। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्म ले रहा है किस तरह की, a³ + b³ + c³ - 3abc की फॉर्म ले रहा है, तो उसको जिसकी की आइडेंटिटी क्या होती है a+b + c (a²) + b²) + c²- ab - bc - ca। तो हमने इसको पहले चेंज किया तो ये आ गया 3x³ + y³ + z³ - 3 × 3xy और z। तो ये सारा इस फॉर्मेट में आने की वजह से इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 3x + y + z (3x²+y²+z²) - 3x(y) - y(z) - z(3x), राइट। नाउ 3x² क्या होता है 9x², 3x(y) क्या होता है 3xy, तो -3xy - yz, और ये क्या हो जाएगा -3zx। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3x + y + z (9x²+y²+z²) - 3xy - yz - zx, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में अक्सर आया ही होता है। वो कहते हैं वेरीफाई करें कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = 1/2 x + y + z (x - y² + y - z² + z - x² (whole within the brackets, राइट। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को मैं लेके चल रहा हूँ इसमें पहले, राइट और इसके अंदर a - b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab, राइट। तो ये क्या आ गया अब इसका 1/2 x + y + z। नाउ x - y² क्या हो गया x² + y² - 2xy, फिर y - z² क्या हो गया y² + z² - 2yz, और फिर z - x² क्या हो गया z² + x² - 2zx, ठीक है जी। अब x² + x² (2x²), y² + y² + 2y² + z² - 2xy - 2yz - 2zx, इन सब में 2 कॉमन है, वो 2 में बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया 1/2 × वो जो 2 मैंने बाहर निकाला (2), ठीक है ना। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये रह गया अंदर x + y + z (x²+y²+z²) - xy - yz - zx, और हमें पता है कि x + y + z (x²+y²+z²) - xy - yz - zx किसके बराबर होता है, वो होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz, आइडेंटिटी है ये, राइट। तो इसलिए हमारी LHS RHS इक्वल आ गई। अगला जो क्वेश्चन है
वो कहता है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, राइट। तो हम क्या आप करें, हमें आइडेंटिटी हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। ये आइडेंटिटी है। अब हमें ये दिया हुआ है जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो हम क्या करें, इसकी जगह जीरो पुट कर दें, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू ये सारा ना, जीरो इंटू एनी थिंग इज जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई जीरो। तो इसलिए ये माइनस थ्री एक्स वाई जेड को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो ये हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी भी आ गई। क्या आइडेंटिटी, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। इसको आगे हम इक्वेशन अपना क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये आई गया ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, राइट। तो हम क्या करें, लेट a इज इक्वल टू माइनस 12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5। तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इज 0। और हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी करी है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो देयरफॉर माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 1260, राइट। नेक्स्ट 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, तो इसमें भी वही करा, लेट a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू माइनस 13। अब जब तीनों को हम ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c, तो आंसर आएगा 0। और हमें पता है कि अगर a प्लस b प्लस c 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है, 3abc, राइट। तो हमने अब क्या किया, देयरफॉर वैल्यू निकालनी थी, तो 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस द प्लस होके ये आ जाएगा 16380। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पेपर में अक्सर आए होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये जो हमें क्वेश्चन है इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नाउ हमें ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो यानी कि हमें दिया हुआ है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसका हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करना शुरू किया, राइट। तो ये आ गया 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब इसके अंदर 5 कॉमन है और a कॉमन है, तो इट इज 5a माइनस 4, इसमें 3 माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 कॉमन है, तो इसको हमने लिया कॉमन, इधर रह गया 5a, इधर रह गया माइनस 3। अब देखो ये फैक्टर जो आ गया हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या आ गया 5a माइनस 4, 5a माइनस 3, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी लेंथ एंड ब्रेथ की, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, राइट। अगला है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इसको हमने जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करा तो ये आ गया l इंटू बी, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू बी, और इट इज इक्वल टू 35y², और अब 13 जो है स्प्लिट होके क्या बन गया 28y माइनस 15y, ठीक है ना। तो ये आ गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, राइट। अब इसके अंदर 7y कॉमन है तो अंदर बचा 5y प्लस 4, माइनस 3 कॉमन है तो अंदर बचा 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, 5y 4 प्लस कॉमन है तो वो ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बचा 7y माइनस 3। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड।
हुज वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस, तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है उसका, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x, तो एल बी एच इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हमने क्या किया, 3x कॉमन था तो हमने लिख लिया 3x कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह गया, x माइनस 4। अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें, तो हमने क्या किया, एक चीज़ ये 3, एक हो गया x और एक हो गया ये, तो यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट की, 3 हो सकती है, x हो सकती है और x माइनस 4 हो सकती है, जो इसके फैक्टर्स हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया आपको 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल बी एच, 4k अगर कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से तो ये क्या बचेगा, 3y² प्लस 2y माइनस 5, राइट। अब इसको हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया, 2y मिडल टर्म स्प्लिट होके कैसे हो गया, 5y माइनस 3, तो ये हो गया 4k इंटू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो अब इनमें कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो अंदर रह गया 3y प्लस 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो आ गया 3y प्लस 5, ये 3y प्लस 5 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 5y माइनस 1, तो हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए, 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो गई इसकी, 4k हो सकती है, 3y प्लस 5 हो सकती है और y माइनस 1, यही इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो सकती है। आई होप आपको ये क्लियर होएगा। अगर आपको जो पिछले वाली जो वीडियो है इसकी, एक्चुअली ये सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे होगा क्या कि जैसे कोई नई वीडियो डालते हैं वो सीधा आप तक पहुँच जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।